हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्ट्रगलर। और आप देख रहे हैं डेली ऑडिशन अपडेट वीडियो। अगर आपको रोज सुबह 10 बजे ऐसे ही ऑडिशन अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए। और अगर आपसे कोई भी पैसे मांगे या फिर कहे कि रजिस्ट्रेशन करा लो तो बिल्कुल बिल्कुल मत देना, बहुत बुरा फंस जाओगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया है क्योंकि यार मौसम काफ़ी दिन से ख़राब था। आप लोग को पता है साइक्लोन आया हुआ और उसकी वजह से मतलब वो जो रूट है उस टाइप का कर्नाटक, मुंबई, गोवा, गुजरात उस साइड तो हुआ है, बट हमारे अपने साइड भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और जब लाइट नहीं आ रही तो हम शूट नहीं कर पा रहे। तो आपको आज की वीडियो में थोड़ी बहुत ऐसे क्या कहते हैं दिक्कतें होंगी आवाज़ की, क्योंकि घर मेरा एकदम रोड के किनारे है तो वहाँ पे गाड़ियों की आवाज़ आती रहेगी। और आज मैं और हमारा शेर स्नोही, जिसको मैं ज़बरदस्ती बैठाया हूँ कि आओ ऑडिशन अपडेट दिया जाए, तो हम दोनों मिल के आज ऑडिशन अपडेट देंगे। तो चलिए पहली अपडेट की ओर चलते हैं। तो स्टार्ट करें स्नोही, हाँ बोलो। चलो, तो अपनी जो पहली अपडेट है वो मराठी मेल एक्टर के लिए है जिनकी एज ग्रुप होने चाहिए 40 से 50 और 45 से 50। पॉलिटिशियन कैरेक्टर बेसिकली चाहिए। और इनको आपको करना क्या है कि इनके जो दिए गए वो नंबर है आपको इस पर अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है। कोशिश ये करनी है कि आपको आपका अपना पॉलिटिशियन लुक की एक फ़ोटो भेजनी है और पॉलिटिशियन लुक के ऊपर एक अपनी ऑडिशन वीडियो है वो शेयर करनी है। ओके, तो आप अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में अपना नेम, एज, हाइट और जो जो चीज़ आपके पास है, हॉबीज़ वो अपना डिटेल दीजिएगा। उसके बाद दिए गए नंबर पे आपको अपनी शेयर करनी है वीडियो। ओके, नेक्स्ट अपडेट है फरीदाबाद के आर्टिस्ट के लिए। ओके गाइस, वो भी गर्ल्स के लिए, बेसिकली 2 गर्ल्स को इनको चाहिए। देखो, कॉन्फिडेंस एंड कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑन कैमरा, मतलब कैमरा के सामने कंफर्टेबल होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट दिखनी चाहिए फॉर अ वीडियो प्रोजेक्ट। और स्किल ऑफ एक्टिंग, एक लड़की चाहिए जिसकी एज होनी चाहिए 18 से 22 और सेकेंड जो लड़की चाहिए उसकी एज होनी चाहिए 25 से 29। वो मदर का कैरेक्टर है और 18 से 22 साल वाला डॉटर का कैरेक्टर है। तो दिए गए नंबर पे आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, यार देखो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये लोग रजिस्ट्रेशन मांगते हैं या ये लोग पैसे मांगते हैं, आप कहते हैं कि रजिस्टर कराओ या आर्टिस्ट कार्ड दिखाओ। तो देखो यार, बहुत बड़ी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री में ऐसे बहुत तमाम लोग मिलेंगे जो आपसे पैसे मांगेंगे, बट पैसे किसी को नहीं देना है। कोई भी अगर आपसे पैसे मांगे तो बिल्कुल मत देना, वो समझ लेना कि फेक है, उसमें आपको काम नहीं मिलेगा। कमीशन एक जगह चलता है, बट कमीशन तभी चलता है जब आपका शूट कंफर्म हो जाए, शूट हो जाए, आपका पेमेंट आ जाए। अगर टीवी वीवी कर रहे हो तो आपको आफ्टर 30 डेज के बाद पेमेंट आएगा, अगर आप मूवीज़ कर रहे हो तो आपको पेमेंट तुरंत आ जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके बाद उन एजेंसीज को कमीशन मिलती है, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल मत लेना। कोई भी पैसे मांगे समझ लेना फेक है। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट है 25 से 28 इयर्स यंग एनर्जेटिक फेयर अप मार्केट ग्लैमरस लुक फीमेल के लिए। ओके, इतना कुछ लिख दिया एनर्जेटिक फेयर अप मार्केट, वैसे होनी भी चाहिए, उनको चाहिए, ज़रूरी होगा। ओके, ये टीवी सीरियल के लिए और 6 मंथ का कॉन्टीन्यूटी शूट है, मतलब 6 महीने के लिए आपको लॉक कर लेंगे ये लोग। ओके, तो इसमें एज क्या मांगे हैं, एक एज मेल की भी मांगे जिसकी एज होनी चाहिए 28 से 32 साल, रेफरेंस लुक होगा नकुल मेहता का। ओके, और एक मांगे हैं सिस्टर का कैरेक्टर जिसकी एज होनी चाहिए 29 से 35, और शूट है वो 21 और 25 मई के बाद से स्टार्ट होगा। राजस्थान, गुजरात, पंजाब और यूपी बेस्ड शॉर्टलिस्ट आर्टिस्ट, आप अपने अगर इस एरिया में रहते हो तो ज़रूर अपनी प्रोफाइल शेयर करो दिए गए नंबर पर। मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। क्यों स्नोही, तुम भी कोई ऑडिशन दोगी? इसको भी किसी दिन किसी ऑडिशन में देंगे। ओके, नेक्स्ट ऑडिशन है नॉर्थ दिल्ली के साइड से वर्क है शॉर्ट फिल्म के लिए और ड्यूरेशन रहेगा 15 से 20 मिनट की जो मूवी रहेगी उसके लिए रहेगा। और आर्टिस्ट रिक्वायर्ड फीमेल आर्टिस्ट चाहिए 18 से 28 साल की उम्र की। मेल कास्टिंग डन हो चुकी है, टॉपिक है क्राइम स्टोरी पर रिलेटेड रहेगा। दिए गए नंबर पे आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है। आर्टिस्ट नियर नॉर्थ दिल्ली कैन अप्लाई, शूट स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, मतलब ये कौन सा टुमारो है ये मुझे नहीं पता, ये बट ये मेरे को 2 दिन पहले ये अपडेट आई थी तो मे बी अभी तक हो गया होगा, बट मेरे ख्याल से बारिश हो रही है, हर जगह बारिश ही हो रही है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं वो, उन लोग को भी पता नहीं बारिश हो रही, तो मे बी क्या पता डिले हो गया हो, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। ओके, नेक्स्ट अपडेट है कास्टिंग कॉल फॉर सीरियल।
कैरेक्टर मांगा गया लड़की का है जिसका एज है 22 से 25, फादर का एज है 40 से 45, मदर का कैरेक्टर का एज है 35 से 45, सन का कैरेक्टर का एज है 24 से 28, चाची का कैरेक्टर एज है 30 से 35, चाचा का 32 से 40। ओके, तो ये सारे हैं, आपको सिर्फ अपना एक ऑडिशन लिंक भेजना है दिए गए नंबर पे। ओके, सॉरी नंबर तो दिए नहीं है, ये अपनी मेल आईडी दी है, मेल आईडी पे आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है, जिस हिसाब से सब लोग को आप शेयर करते हो उसी तरीके उनको भी शेयर करना। और एक अपडेट है ऑन माई की रोल के कास्टिंग कंपनी की साइट से, ये मैं अभी इनके ऊपर एक वीडियो बना रहा था तो मुझे इनकी अपडेट दिखी, और ऑन माई की रोल बहुत ही फेमस और जेन्युइन कास्टिंग कंपनी है, और मैं तो ऑलमोस्ट कहता हूँ कि जो जेन्युइन है या जो है उन्हीं से आप लोग हमेशा कास्टिंग कराया करो, क्योंकि ये जो अपडेट दे रहा हूँ ना इसमें से आपको 50% सही भी मिल सकती है, 50% गलत मिलती है। तो ये होता है ना वो समुंदर में से मोती चुनने वाली दिक्कत होती है, वही वाली इसमें बात है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपके ऊपर है, आप ही जज कर सकते हो जब तक आप बात नहीं करोगे। तो और बट जितने जेन्युइन है, एक मैंने वीडियो भी बनाई है टॉप 15 कास्टिंग डायरेक्टर, जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर, तो वो वीडियो जरूर देखना, उसमें से जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनको आप अपनी प्रोफाइल जरूर मेल करना। और लास्ट अपडेट है शॉर्ट फिल्म राइटर रिक्वायरमेंट की, इनको एक राइटर की जरूरत है, रिक्वायर्ड स्टोरी एंड एक्टिंग बेस्ड शॉर्ट फिल्म रहेगी, लेंथ रहेगी 10 से 20 मिनट। वैसे बहुत लोग कहते हैं सर मैं राइटर हूँ मुझे लिखना पसंद है, मैं कैसे राइटिंग के लिए अप्लाई करूँ, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है यार दोस्तों कि आप ट्राई तो कर सकते हो एज अ शॉर्ट मूवी के लिए राइट लिख के, या आप कहीं भी ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, आप अपनी प्रोफाइल में लिख सकते हो कि हाँ मैंने इसके यहाँ इनके लिए ये स्टोरी लिखी है। तो दिए गए नंबर पे आपको अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है। ओके दोस्तों, तो आज ये बेसिक 6-5-6 ऑडिशन अपडेट थी, तो वो मैंने आपको शेयर कर दी है, और अगर आप चाहो तो अपनी प्रोफाइल मुझे भी शेयर करो, चाहो क्या यार ज़रूर करो, क्योंकि मैं भी साथ ही साथ कास्टिंग करता रहता हूँ, जो जो प्रोजेक्ट आते हैं उनकी कास्टिंग करता रहता हूँ। तो अपनी प्रोफाइल शेयर करने के लिए ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको कैसे अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है वो इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा, तो क्योंकि गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो यार मेरा जो डिस्टेंस है मेरे कैमरे से ये ऑलमोस्ट कम से कम 10 से 15 मीटर दूर है, तभी आपको मेरी वॉइस क्लियर सुनाई पड़ रही होगी, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ बोया का माइक, और मुझे बेस्ट लगता है बोया का माइक, क्योंकि आप खुद ही देखा करो जब हम ऑडिशन देते हैं तो हमारी वॉइस कितनी क्लियर होगी। अगर आप ऑडिशन वीडियो बना रहे हो तो अगर आपका शॉट दूर लगाइए, आप अपना कैमरा दूर रख रहे हो तो आपकी आवाज़ आपके कैमरे तक नहीं पहुँचेगी, तो इसीलिए मैं हमेशा, अब मैं क्या ही करूं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कहता हूं कि बोया माइक एक बार ज़रूर परचेज करके अपने ऑडिशन वीडियो उससे बनाओ, क्योंकि वॉइस क्लियर रहेगी तो आपको सुनने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं इतनी दूर में। इसी तरह कास्टिंग डायरेक्टर को भी सुनने में मज़ा आता है कि यार हाँ यार क्वालिटी अच्छी है, लड़का जो बोल रहा है वो क्लियर बोल रहा है। ओके गाइस, तो बारिश स्टार्ट हो गई है, अब वैसे भी वीडियो एंड ही हो रहा था, तो अब लोग आप लोग भी घर पे रहो, वेयर मास्क, वॉश योर हैंड और स्टे एट होम, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, अब कुछ भी हो जाए, लाइट आए या ना आए, वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भागो।